गुड मॉर्निंग सर। क्या तुमने वो फोटोज हमारी दुल्हन के भाई को भेजे? हाँ, मैंने सुबह ही भेज दिए सर। वो रास्ते में ही होंगे, पर उस पर नाम नहीं लिखा है मैंने। कितना शानदार वेडिंग गिफ्ट है, किसी को बताना मत, मुझे खुद की तारीफ पसंद नहीं। सासू, केमाल सर के लिए एक एनवेलप आया है, क्या आप ले सकती हैं? हाँ, मैं आती हूँ। आप इसे मिस सासू को दे सकते हैं, वो बस आ ही रही हैं। मुझे ये मिस्टर केमाल को पर्सनली देने को कहा गया है। मिस सासू, केमाल सर के लिए एक एनवेलप है, मैंने कहा आपको दे दे, पर ये माल नहीं रहे हैं, अब आप ही इनसे बात कीजिए। मुझे सिर्फ मिस्टर केमाल को देने के लिए कहा है। हाँ ठीक है, पर इस पर उनका नंबर भी दिया होगा ना, तो आप एक बार फोन करके उनसे क्यों नहीं पूछ लेते, वो खुद ही बोल देंगे। ओके ठीक है। हेलो, आसवाला चांद, ठीक है तुम उसे दे सकते हो, पर ये पार्सल मिस्टर केमाल के लिए है, इसलिए कोई और इसे नहीं खोल सकता। ठीक है सर। जी मैंने बात की, मिस्टर केमाल ही से खोल सकते हैं। हाँ हाँ श्योर, यहाँ पर साइन कर दीजिए। मत करो, अब तुम अपनी फ्रेंड के घर पे हो, तुम यहाँ कंफर्टेबल हो सकती हो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सेना, तुम ओजान को इतना प्यार कब से करने लग गई, बताओ मुझे। तुम ज्यादा ही सोच रही हो सेमा, मैंने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया है, मैंने शादी कर ली है, और तुम अब भी वही पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर बैठी हो। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ, अगर तुम खुश हो तो। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो ठीक है, पर साली खुश नहीं है। साले कौन है? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ देखा, वही तो, वो मेरा एक्स है। मैंने मेरी खुशियां उजान में देखी और किसी के साथ नहीं, तो उसका जिक्र मत करो। अच्छा सेमा, तुम्हें घर पसंद आया? हाँ ये घर बहुत ही परफेक्ट है। हाँ इतना भी सुंदर नहीं है, पर तुम देखना इस घर को मैं जल्द ही अपने हिसाब से डिजाइन करूंगी। जैसी आपकी मर्जी। एफसानी, क्या तुम फॉर्च्यून पढ़ सकती हो? नहीं, ये हमारी हाउस हेल्प है, फॉर्च्यून टेलर नहीं। हेलो मैम, अफसाने ज़ैनब अब से जो भी चाहे खुद किचन जाकर ले आ सकती है, तुम्हें इन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है ज़ैनब अब मुझे चलना चाहिए, बाद में मिलते हैं। अरे क्यों, बुरा मत मानो। मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं अब चलती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती ये आखिर कब तक चलेगा।
मैं तो कुछ पूछने भी नहीं वाली। वो लड़की कितनी अकड़ू है, रूड और सेल्फिश है, बहुत जाहिल है वो। उसे मैनर्स ही नहीं है। वो लड़की मेरे इस घर में रह रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो कोई इंसेक्ट हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या आप प्लीज शांत हो सकती हैं? मैं भी सरप्राइज्ड हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। समझने की तो कुछ बात ही नहीं है। वो घटिया लड़की सेजिन्स विला में घुस आई है। अगर तुम लोगों ने इसका कुछ नहीं किया तो मैं ही उसे यहां से निकाल दूंगी। तुम्हारा नाटक बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये उजान का कमरा है। ये मेरा भी कमरा है। तुम भी बाकी सब की तरह बिहेव करोगी निहान? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या तुम मुझे एक भी वजह दे सकती हो कि मैं बाकी लोगों से अलग पेश आऊं? और मेरे पास तो सबसे ज्यादा रीजंस है तुम पर शक करने के, तुम्हें तो पता है। मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ज़ैनब, मैं घुमा फिरा कर तुमसे नहीं पूछूंगी, सीधा ही पूछूंगी। क्या एमिर की वजह से तुमने ओजान से शादी की है? मुझे लगता है तुम पागल हो चुकी हो। पर नहीं, अगर हमारा कोई पास नहीं होता तो मैं ये समझ सकती थी। नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तो तुम मुझे और कितना सॉरी फील करवाओगी? हाँ, मैं अब तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है निहान? क्या तुम उजान से प्यार करती हो? मैं उसे इतना प्यार करती हूँ जितना कोई सोच भी नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। हाँ, बोलिए। घर से बाहर आओ सेने, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या आप भी मुझे ब्लेम कर रही हैं? बताइए, आप तो मेरी साइड थी, पर अब क्या हुआ? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी ज़ैनब, पर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा मैं समझ नहीं पा रही। आप किस बारे में बात कर रही हैं? ओजान और तुम्हारी शादी सिर्फ एक खेल ही है ना? मैं अपने मॉम एंड डैड को झेल सकती हूँ, पर आपका क्या करूँ? ये सब तुम्हारे भाई को भेजे गए थे। तुम ये सब कैसे कर सकती हो ज़ैनब? मैं यकीन नहीं कर पा रही। मेरे भाई को? हाँ, पर मैंने ये उससे पहले ही ले लिए। और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि क्या होता अगर उसने इन्हें पहले देख लिया होता। मैंने आपसे झूठ नहीं कहा आसू। एमिर ने मेरे साथ खेल खेला, एक घटिया खेल। अब तो मुझसे और झूठ मत बोलो ज़ैनब।
ये सोचो कि तुम एमिर को कैसे रोक पाओगी, क्योंकि तुमने अपने भाई के दुश्मन को चोट पहुंचाई है। अब तुम उसे कैसे रोक पाओगी ज़ेनब? कि आज तो तुम्हारे भाई तक नहीं पहुंचे, पर एमिर फिर से भेजेगा तो क्या करोगी? ओजान से शादी करना इसका कोई हल नहीं था। तुम ऐसे एमिर को नहीं रोक पाओगी, इससे तो वो और भी चिढ़ जाएगा। पता नहीं तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा। मैं उसे मेरे भाई को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। तुमने पहले ही अपने भाई को एमिर के साथ रहकर चोट पहुंचा दी। इन्हें डिस्ट्रॉय कर दो और प्रे करो कि एमिर इन्हें वापस ना भेजे।